हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे गोल्ड पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये गोल्ड चार्ट है डेली, और डेली मैंने पिवट पॉइंट डाला था तो ये पूरा गोल्ड ओपनिंग हुआ रेजिस्टेंट के ऊपर में ओपन हो गया ये। तो ये जो रेजिस्टेंट था वो अभी सपोर्ट बना के काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंट था वो 31058, सेकेंड रेजिस्टेंट था 30876, थर्ड रेजिस्टेंट था 30734 और पिवट पॉइंट था 30552। ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया। तो आज हम बात करेंगे और मार्केट में कौन सा ट्रेंड है। तो गोल्ड का ये आप ट्रेंड ही ले रहा है अभी तक तो, और एक रेंज में चल रहा है। ये मैंने वीकली चार्ट लिया, वीकली चार्ट तो बहुत लंबा होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप गोल्ड डेली चार्ट है। तो गोल्ड डेली चार्ट ये आप ट्रेंड में है और इसका रेंज है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं दिखाऊँ इसको, गोल्ड ने फर्स्ट ब्रेकआउट किया ये लाइन यहाँ पे, तो फर्स्ट आपका बाय एंट्री यहाँ पे ही था, यहाँ पे कंफर्म किया हुआ है स्टोस्टिक एंड सीसीआई दोनों ने और ट्रेंड लाइन, और उसके बाद हायर प्राइस बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा था 200 मूविंग एवरेज ने। तो नेक्स्ट हमें मिला था एक रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं जो ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट था यहाँ, एग्जैक्टली वहाँ तक गया। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया मार्केट, और जो ओपनिंग हुआ नेक्स्ट मार्केट वो रेजिस्टेंस का ऊपर में ही हुआ। तो अभी हम अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, नहीं अगर हम डेली उसका रेंज देखे, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया लोअर पॉइंट और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया हायर पॉइंट को। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज का हाई पॉइंट था वहां पर ही एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ है। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखे, अगर इसको थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में देखे, तो ये मार्केट नीचे आने का थोड़ा इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक तो आ सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्टिंग, पहले जो रेजिस्टेंस लाइन था ये सपोर्टिंग लाइन बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अगर 50 मिनट में देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ पे सपोर्टिंग हो रहा है। तो आपको पहले ये देखना चाहिए ये मार्केट ये जो रेजिस्टेंस लाइन तोड़ पाएगा या नहीं पाएगा। अगर इसका इसको इसका बिलो में अगर प्राइस क्लोज नहीं हुआ तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, और ये अभी 5 मिनट में देख सकते हैं आप। तो 5 मिनट में थोड़ा अभी बियर फॉर्म हो रहा है, मुझे लगता है ये अराउंड 30886 तक आ सकता है यहाँ पे। अगर इसको तोड़ दिया तो ये नीचे 100 और 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, जैसे 30558 इसका आसपास मार्केट आ सकता है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।